हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि एआई भी आने वाला है और लीगल 24/7 आपके लिए कुछ लास्ट वीडियोस में एआईबी के पास्ट ईयर्स पेपर्स लेके आया है। तो आज भी हम उसी को कंटिन्यू करते हुए, उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक नया पेपर लेके आए हैं एआईबी का। एआईबी पेपर 10 जो कि कंडक्ट हुआ था मार्च 2017 में। जैसे कि आप सबको पता है कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो या फिर आपको कोई आंसर की या आपको और अदर कोई पास्ट ईयर्स चाहिए हो एआईबी के, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं आज का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में रेफर देयर अनरिजॉल्व ग्रेवियंस एंड लेबर डिस्प्यूट टू। अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको कुछ जिनका कोई भी मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का कोई भी डिस्प्यूट होता है जो सॉल्व नहीं हो पाता, तो वो कहाँ जाते हैं? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, बी के पास जाते हैं। वो बी में जाके वो अपने डिस्प्यूट को सॉल्व कराते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। हम कितने मिनिमम नंबर्स चाहिए होंगे, रिक्वायर होंगे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में? तो इसका आंसर है आंसर नंबर 1, अप्रोक्स हमें 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द चेयरपर्सन ऑफ साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल इज अपॉइंटेड बाय। जो हमारा चेयरमैन होता है उसको कौन अपॉइंट करता है साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में? तो उसको अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसको अपॉइंट हमें सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, बट उसका कंसल्टेशन चाहिए था हमारे सीजेआई का। और जैसे कि आप सबको अभी रिसेंटली पता होगा कि हमारे नए 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए हैं, जो जिनका नाम है UU ललित। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हायर्स इज नॉट क्लास 1 हायर अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट के बाद एक शेड्यूल दिया गया है जिसमें बताया है कि हमारा कौन क्लास 1 हायर होगा, कौन क्लास 2 हायर होगा, कौन कॉग्नेंट होगा और कौन एग्नेंट होगा। अगर इन चारों में कुछ नहीं आता तो जो गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी होती है वो गवर्नमेंट के पास चली जाती है। तो बस वो यही इसमें पूछने जा रहा है कि कौन क्लास 1 में नहीं आता। क्लास 1 के हायर्स वो होते हैं जिनको सबसे पहले प्रॉपर्टी दी जाती है। अगर किसी भी पर्सन की डेथ होती है तो जो उसके क्लास 1 के हायर्स होते हैं प्रॉपर्टी उनके पास जाती है। तो जो फादर होता है, फादर हमेशा क्लास 2 में आता है। सन, विडो और मदर आपका क्लास 1 के लीगल हायर्स होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सट्रॉशन। थेफ्ट और एक्सट्रॉशन किस में होता है? थेफ्ट और एक्सट्रॉशन हमारा रॉबरी में होता है। रॉबरी हमारा दोनों चीज़ों को लेके चलता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज नॉट इंक्लूडेड विथ इन द मीनिंग ऑफ आर्किटेक्ट्स वर्क अंडर कॉपीराइट एक्ट। तो क्या मीनिंग नहीं होगा? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, जो कारपेंटर का वर्क होता है वो आर्टिस्ट में नहीं आता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए सेल अ फील्ड टू बी, देर इज अ राइट ऑफ वे ओवर द फील्ड ऑफ विच ए हैज़ अ डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज बट विच ही कंसील फ्रॉम बी। ए क्या करता है, एक ए अपनी कोई प्रॉपर्टी फील्ड है वो बी को सेल करता है, जहाँ से उसका डायरेक्ट ओवर वे बाहर जाने का, और ये चीज़ कंसील कर लेता है वो बी से। तो अब बताओ वो क्या कर रहा है, मतलब क्या किया, क्या है उसने? तो उसने फ्रॉड किया है कि क्या किया है? तो इसका ऑप्शन है ए एज अ राइट टू रिसेंट। अब बी के पास, क्योंकि बी के साथ तो यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, उसने क्योंकि उसे वो चीज़ बतानी चाहिए थी उसने नहीं बताई। तो यहाँ पे ये जो ये क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, इन्होंने इस वे से पूछा है, बट यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे बी एज अ राइट, अगर बी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ रिटर्न स्टेटमेंट द डिफेंडेंट कैन क्लेम। एक रिटर्न स्टेटमेंट में डिफेंडेंट क्या क्लेम कर सकता है? डिफेंडेंट दोनों चीज़ें क्लेम कर सकता है, आपका सेट ऑफ भी और आपका काउंटर क्लेम भी।
ठीक है. नाउ द नेक्स्ट केस, विच इज़ द लीडिंग केस ऑन एनवायरमेंटल लॉ. तो आप सबने पढ़ा ही होगा कि जो एम सी मेहता का है वो एक लीडिंग केस है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, प्रियम्पशन ऑन द ग्राउंड ऑफ शहीद वॉज डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल. प्रियम्पशन जो होता है, जैसे आपने लिमिटेशन एक्ट पढ़ा होगा, आर्टिकल 91 और 97, एक बार आप लोग कन्फर्म कर लेना, डील करते हैं प्रियम्पशन के से. और जो प्रियम्पशन के लिमिटेशन होती है वो 1 साल की होती है. तो प्रियम्पशन को मतलब किस केस ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, तो वो है आपका बहूराम वर्सेस बाजीनाथ के केस ने इस चीज़ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस सेक्शन वॉज इनेक्टेड टू मीट द केस ऑफ डाउरी डेथ. तो डाउरी डेथ के लिए कौन सा सेक्शन आया था, तो 498A जो था वो इंसर्ट किया गया था IPC में. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, PIL इज क्रिटिसाइज ऑन द ग्राउंड ऑफ. हम PIL को क्यों इतना बोला जाता है कि उसे अच्छा नहीं है, PIL को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तो हम किस ग्राउंड पे करते हैं, तो हम मतलब प्राइवेट मोटिव, पॉलिटिकल एंड इंक्रीज द लिटिगेशन, तो ये सारे ग्राउंड्स होते हैं कि इस वजह से हम उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हमारे जो PIL है वो सही नहीं है और PIL हमें कम फाइल करनी चाहिए. द फुल फॉर्म ऑफ PIL इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विक्रमादित्य वर्सेस खातून इज एन इम्पॉर्टेंट केस रिलेटिंग टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. ड्यू टू, जो हमारा विक्रमादित्य का केस है ये क्यों इम्पोर्टेंट है और ये क्यों हमारा मतलब प्रोफेशनल, ड्यू टू क्या फैक्टर आया था जो इसको हमने इतना इम्पोर्टेंट केस बनाया. तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, डिफ्रॉडिंग द क्लाइंट बाय एक्सप्लॉइटिंग द क्लाइंट इलिटरेसी. वो डीप फ्रॉड कर रहा था, तो जो विक्रमादित्य का केस है वो डीप फ्रॉडिंग से रिलेटेड है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच सब्जेक्ट आर इंक्लूडेड इन कंकरेंट लिस्ट. हमारा जो 1935 का एक्ट था, जैसे आपने आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में भी, कि जो हमारा आधा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा जो फर्स्ट एक मेन एक्ट था वो 1935 के एक्ट से हमने बहुत सारी चीज़ें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ली है. तो ये पूछा जा रहा है कि जो हमारा मैरिज है, डिवोर्स है, आर्बिट्रेशन है, क्रिमिनल लॉ है, ये कौन कौन हमारी क्या चीज़ ऐसी थी जो हमारी कंकरेंट लिस्ट में आती थी, क्या हमारा सब्जेक्ट इंक्लूड किया जाता. तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जो हमारी चारों तीनों चीज़ें, मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया, क्रिमिनल लॉ, हमारी ये चारों चीज़ें आपकी कंकरेंट लिस्ट में आती हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द लीडिंग केस ऑन अरेस्ट. आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जो अरेस्ट के ऊपर है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज DK बासु का बहुत ज़्यादा लैंडमार्क केस है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल गार्जियन ऑफ एन अडोप्टेड सन अंडर द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट. आपका जो अडोप्टेड सन है उसका नेचुरल गार्जियन कौन होगा हिंदू माइनॉरिटी और अडोप्शन एक्ट में, तो आपका जो उसका अडोप्टेड फादर होता है, जो अडोप्ट करता है, वही उसका नेचुरल गार्जियन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू क्लोज डाउन अ फैक्ट्री द ऑक्यूपायर हैज़ टू गिव हाउ मैनी डेज नोटिस टू द अथॉरिटीज. आपको मतलब कितने दिन का नोटिस देना पड़ता है फैक्ट्री में, तो नोटिस जो होता है वो आपको 60 डेज का देना पड़ता है. तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए. Now the next question is, a contract of indemnity under the Indian Contract Act has been defined in which section. तो जो आपका जो contract of indemnity है वो किस section के अंदर defined किया गया. तो obviously तो बहुत basic question है, सबको पता होगा कि जो contract of indemnity है वो 124 में defined किया गया और जो contract of guarantee है वो 126 में defined किया गया है. ठीक है, तो इसका option है option number A. Now the next question is, filing with the court to object owns or another imprisonment. आप कब कोर्ट में जाते हो, या तो आपको खुद का इम्प्रिजमेंट के लिए, आपको खुद के इम्प्रिजमेंट से कोई ऑब्जेक्शन होता है, या आपको अदर के इम्प्रिजमेंट से, तो ये कब जाते हो आप क्या फाइल करते हो कोर्ट पर. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आप हैबियस कॉर्पस फाइल करते हो. इसको ये भी बोला जाता है जब कोई किसी को इलीगली डिटेन कर लेता है,
तो उसके लिए वो यहाँ पे हैबियस कॉर्पस के रिट फाइल करते हैं, वही अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो 32 में, और अगर वो आपके हाई कोर्ट जाएगा उस पर्टिकुलर स्टेट के तो आर्टिकल 226 में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम टू सर्व एज नेशनल एजेंसी फॉर इंसिडेंट रिस्पॉन्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर कौन से, तो 70B ऑफ IT एक्ट में कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश डॉक्ट्रिन, तो आपको सबको पता ही होगा कि जो रेजिस्टर है वो सेक्शन 6 में है, डील किया करता है सेक्शन 6 का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली रिलेशंस द लॉ एप्लीकेबल इन इंडिया इज, जो आपके जो भी सारे फैमिली रिलेशंस होते हैं तो उसमें कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है, सेकुलर, स्टैट्यूटरी लॉ, रिलीजियस लॉ या फिर पर्सनल लॉ, मतलब आपके कोई भी आपके फैमिली रिलेशंस खराब हो, जैसे आपका डिवोर्स का केस है तो डिवोर्स आपका सेकुलर में जाएगा, स्टैट्यूटरी में जाएगा, रिलीजियस में जाएगा कि पर्सनल में जाएगा, तो ये जो सारे आपके फैमिली रिलेशंस के होते हैं ये आपके सारे जो पर्सनल लॉज होता है उनसे गवर्न होते हैं, रादर देन आपका सेकुलर और इन सबसे ये आपके गवर्न नहीं होते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एक्शन ऑफ प्रेसिडेंट टू समन्स प्रोक्योर एंड डिसॉल्व आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो किस केस में ये सुप्रीम कोर्ट की चीज़ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया था, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, राव वर्सेज इंदिरा गांधी के केस में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अपॉइंटेड, तो किस सेक्शन में अपॉइंट किया जाता है, सेक्शन 25 में। ठीक है, वॉट शुड बी द डिफरेंस ऑफ एज अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट इफ फीमेल अडॉप्ट अ मेल, अगर कोई भी फीमेल कभी भी किसी मेल को अडॉप्ट करना चाहे तो एटलीस्ट 21 ईयर्स का डिफरेंस होना चाहिए, जो हमारा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट बताता है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्टीज विच कैन नॉट बी कंपेल्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आर प्रोवाइडेड अंडर, जो पार्टीज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कर सकती तो वो किस सेक्शन के अंदर बताई गई हैं, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 28। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीफ एलिमेंट नेसेसरी ऑफ द चीफ एलिमेंट नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, जैसे कि सब आप लोगों ने IPC में पढ़ा होगा, IPC में बेसिकली बताया था एक क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कि एक ह्यूमन बींग होना चाहिए, एक उसकी इंटेंशन होना चाहिए, उसके पास मेंसरिया और एक्टसरिया होना चाहिए, सामने वाले को इंजरी होनी चाहिए, और जिसका होता है फोर्थ वो प्रॉपर्टी होता है, बट यहाँ पे हमें तीन एलिमेंट्स दिए गए हैं तो ये तीनों के तीनों ही हमारे पास नेसेसरी है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर सेक्शन 25 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन अवॉर्डेड बाय द कोर्ट, अगर जो हमारा सेक्शन 25 है तो उसमें जो अमाउंट बताई गई है कंपनसेशन की वो कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर है कि मतलब जो कलेक्टर ने बताई है उससे कम नहीं होनी चाहिए, शैल नॉट बी लेस देन द अमाउंट अवॉर्डेड बाय द कलेक्टर अंडर सेक्शन 2, तो सेक्शन 2 में जो बताई गई उससे कम नहीं होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली इन विच केस द केरला हाई कोर्ट हेल्ड दैट अ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विच अलाउड सर्टेन रिलेक्शन इन मार्क्स टू रिजर्व कैटेगरी, तो कौन सा केस है, किस केस में ये सारी चीज़ें केरला हाई कोर्ट ने डिसाइड की थी, तो नियर सर्वे सोसाइटी वर्सेज UGC का 2016 का केस है, उसमें ये सारी चीज़ें डिफाइन की गई थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पकला नारायण स्वामी वर्सेज एम्परर इज अ लीडिंग केस ऑन, जिसने भी एविडेंस थोड़ा भी बेसिकली पढ़ा होगा ना सबको पता होगा कि जो पकला नारायण स्वामी का केस है वो डाइंग डिक्लेरेशन में आता है, और जो उसका लास्ट स्टेटमेंट था मैं आपको इसके थोड़े से फैक्ट्स बता देती हूँ। पकला नारायण स्वामी में क्या होता है, पकला नारायण ये प्रिवी काउंसिल का जजमेंट है और इसी से काइंड ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन की डेफिनेशन आई है। इस केस में होता ये है कि वो अपनी वाइफ को बोल के जाता है कि मैं एक्स पर्सन से मनी रिकवर करना चाहता हूँ, बट वो दो दिन तक आता नहीं है, और थर्ड डे उसकी जो बॉडी होती है उसकी वाइफ को एक ट्रंक बॉक्स में मिलती है पीसेस में कटी हुई,
तो जो उसका स्टेटमेंट था कि मैं इससे पैसे रिकवर करके आता हूँ, उस स्टेटमेंट को एज अ बैंक डिक्लेरेशन यूज़ किया गया था उस केस में, ठीक है। तो और ये वाला जो केस है कहीं कहीं जगह कन्फेशन में भी आता है, बट ये जो लीडिंग केस है ये आपका बैंक डिक्लेरेशन का माना जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हिंदू विडोज इफ देर आर मोर देन वन शैल टेक। अगर कोई हिंदू विडो है वो एक से ज़्यादा विडोज पहले के टाइम पे तो होती थी, तो वो कितना शेयर टेक करेगी? क्या सारी विडो एक एक शेयर टेक करेगी? क्या एक शेयर सारी विडोज टेक करेंगी? और वन शेयर ईच टू द मैक्सिमम ऑफ टू शेयर इफ देर आर टू मोर विडोज। अगर दो से ज़्यादा विडोज है तो सबको क्या एक दिया जाएगा या फिर नन ऑफ द अबव? तो पहले मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझा देती हूँ। वो ये बोलना चाह रहा है अगर एक से ज़्यादा विडो है तो उनका शेयर क्या होगा? क्या चार विडो तो हम चारों को एक एक देंगे? फर्स्ट वाला बोल रहा है मतलब फोर शेयर चाहेंगे। सेकेंड ऑप्शन भी ये बोल रहा है कि हम चारों को एक शेयर ही दे देंगे, मीन्स 1/4, 1/1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/4 का चारों ले लेंगे। या फिर वन यहाँ पे टू विडोज से ज़्यादा की बात कर रहे थे, वो ऑप्शन है ही नहीं। तो जो आपका हिंदू का एक्ट है वो ये बात करता है कि आपका जो सारी सारी विडोज है उन सबको एक शेयर दिया जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इनेबल्स द कोर्ट टू कैंसिल द बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड। तो किसको वो अलाउ करता है? 84 का ऑप्शन है 446A। ये डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है तो आप इसे देख भी सकते हैं। 86 द राइट टू इक्वेलिटी बिफोर द लॉ अंडर आर्टिकल 14 इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। अगर आप कोई रीजनेबल क्लासिफिकेशन के रिस्ट्रिक्शन आपके आर्टिकल 14 में लगाई जा सकती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अ परपेचुअल इंजंक्शन कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय अ डिक्री एट द हियरिंग एंड अपॉन द। जो परपेचुअल इंजंक्शन होता है वो कब ग्रांट किया जाता है, कब उसकी डिक्री कौन से ग्राउंड पे आप उसे वो कर सकते हो? तो यहाँ पे ऑप्शन है या तो डिमांड होगी पार्टीज की या कोर्ट का डिस्क्रिशन या मेरिट ऑफ द सूट। सो जो आपका परपेचुअल इंजंक्शन होता है वो हमेशा मेरिट पे किया जाता है। नाउ द लास्ट सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ डायरेक्ट टैक्स। आपकी क्या क्या चीज़ें डायरेक्ट टैक्स में आती हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आपका जो डायरेक्ट टैक्स में आता है वो इनकम टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स आता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज वेयर अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास पासिस ओनली अ सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग ₹100 अगेंस्ट दिस ऑर्डर वेन एन अपील चल रहा है। अगर सपोज एक मजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर पास किया है जिसमें खाली उसने जो ₹100 तक का फाइन रखा है उसे ज़्यादा का नहीं रखा, तो इसकी अपील किसको होगी? तो इसकी अपील ही नहीं होगी। 376 हमें कुछ चीज़ें बताते हैं कि हम कब कब अपील नहीं कर सकते, पिटी ऑफेंसेस वाली बात जो है। तो उसी में यहाँ पर भी बताया गया कि अगर उसका 100 तक का कोई फाइन देता है तो उसकी अपील नहीं हो सकती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और जैसा कि आप सबको पता है कि हम पूरा पेपर यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए हम पेपर की PDF और सॉफ्ट कॉपी दोनों चीज़ें प्रोवाइड सॉरी सॉफ्ट कॉपी नहीं हम हार्ड कॉपी और PDF आप हमें बता दीजिए, हम आपको दे देंगे। थैंक यू इसको देखने के लिए। अगर आपको और अच्छा लगे या आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।